जब अरमान की जान खतरे में होती है तो डॉक्टर्स भी मदद करने से साफ मना कर देते हैं। हालांकि वहां अभीरा कैसे भी उसको बचा तो लेती है, लेकिन अब जो अरमान को उससे प्यार का एहसास होता है ना, तो सब में ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि अब कहीं ना कहीं विद्या भी एक शर्त रख देती है मासा के सामने कि उनको घर लाना ही होगा। सच में काफी मजेदार होता है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ये अरमान और अभीरा से होती है। चाकू लगने के कारण काफी सारा ब्लड भी निकल चुका होता है, तो इसे कैसे भी लेकर के घर जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास फोन करती है ना, तो साफ बोल देता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ दंगों के कारण कोई भी बाहर नहीं निकल रहा, तो प्लीज हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि क्या करना है, कैसे खून को रोकना है। और बस ये सारी बातों को फोन पे सुन करके वैसे इसके इलाज भी करते हैं। हालांकि वो यहाँ ठीक तो हो जाता है, लेकिन जब भी अपने दिल की फीलिंग्स को बता रहा होता है कि मैं तुमसे भी पहले किसी से प्यार करता था और वो कोई और नहीं बल्कि, जब जैसे रूही का नाम लेता तब देखिए बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे सुबह होते ही माधव यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि अरमान को चोटें लग चुकी है, तो बहुत ज्यादा चिंतित होता है। लेकिन अरमान को लगता है कि यहाँ अब वो जानबूझ करके चिंतित हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये समझता है कि मेरे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं बल्कि वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन हाँ, अभीरा से एक वादा ये कर चुका होता है, जब तुम मुझे खुद से एक्सेप्ट करोगे तभी मैं वापस आऊंगा, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला हूँ। हालांकि घर पे भी सभी को पता चल चुका होता है कि अरमान अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन मसा को वहाँ पता चल चुका होता है कि विद्या को ये बात ऑलरेडी पता थी कि अरमान सबसे पहले किसी से प्यार करता था तो वो रूही ही थी, लेकिन अब वो अभीरा से प्यार करता है। तो इन सभी चीजों के कारण देखो, विद्या तो सब कुछ ठीक करना चाहती है, तो जिस कारण वो चाहती है कि अभीरा को इस घर में लाया जाए। और हाँ, वो दुआ भी कर रही होती है अपने बेटे के साथ में और अभीरा की भी दुआ कर रही होती है, लेकिन घर में संजय बाकी सभी लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। जहाँ कुछ लोग सपोर्ट करते हैं ना अभीरा को, वहीं कुछ लोग खिलाफ भी खड़े हैं, और ये बातें यहाँ देख करके तो पता चल जाते हैं। लेकिन अब मासा भी धीरे धीरे अब हार रही होती है, उसे लगता है कि शायद वो नहीं जीत सकती, और अब अगर अपने बेटे और अपने पोते को चाहिए इस घर में लाना तो उन्हें उस लड़की को लाना ही होगा। अब ये भी हाँ कर ही देती है, लेकिन इनकी भी कुछ शर्तें होती है जो सच में काफी मजेदार होते हैं। लेकिन अरमान भी जब अपने भाइयों से मिलता है एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ वो लोग उसको बिलोंग देते हैं, बोलते हैं कि आप इसे ले जाकर प्रपोज करो, शायद भाभी मान जाए। लेकिन अब अभीरा के दिल में जो फीलिंग्स जग रही होती है कि अरमान ने उससे बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी, तो जिस कारण ये उसको प्रपोज मार तो देती है। लेकिन अंततः जो ये पता चल जाता है कि वो रोहित से प्यार करता था, तो अब कहने का दिल में थोड़ी सी इसके लिए नफरत भी हो जाती है कि आखिर तुम पहले किसी और से प्यार करते थे, फिर मुझसे प्यार करने लगे, और फिर हमसे भी कोई बेहतरीन आएगा तो तुम उससे प्यार करने लगोगे, तो ये प्यार नहीं बल्कि ये एक डेस्टर्स है। खैर अब यहाँ पे ना वो तो बोल देती है, लेकिन अब उसके जाने के बाद में धीरे धीरे इसकी तो ऑलरेडी चोट लगने के कारण भाई अभी भी छाती में दर्द हो रही होती है। अब तो ये बता भी नहीं पता कि इसे कितनी ज्यादा तकलीफ है, और यहाँ पे ये बेहोश हो जाता है। हो सकता है कि बाद में इन सभी चीजों को देखने के बाद में अभीरा वापस लौट करके आए, और शायद घर ले जाने की जिम्मेदारी भी अभी से ही मिले, और साथ में हो सकता है कि वेल माधव भी जाए। अब देखो, सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी है तो वो अभीरा के हाथ में ही है, मासा भी उसके सामने झुक चुकी है, तो उनकी जो शर्तें होंगी वो शायद अभीरा माने या ना माने ये तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट में माधव और अरमान खड़े हैं, तो ना चाहते हुए मासा को भी अपने शर्तों में बदलाव करना होगा। शायद ये तमाशा जो क्रिएट होगी ना वो काफी मजेदार होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चुनौती बहुत बड़ी है मासा के लिए कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्हें इस लड़की को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।